So, hello everyone. So, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor, and coach for audit and law. So, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप बढ़िया हैं, एकदम प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रही है, राइट? सो, दिस वीडियो इज गोइंग टू एक्ट एज अ कंप्लीट गाइडेंस फॉर योर इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D. सो, इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D, इट इज इंडेड अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, राइट? अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. आप देखते हो कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के 70+ आ रहे हैं सर इकोनॉमिक लॉस में आजकल. मेरे खुद के, मैं स्टूडेंट्स की बात करूं सर, तो मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैव गॉट 80+ इन द लास्ट एग्जामिनेशन एंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 70+ इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन. एंड एग्जम्पशंस की तो मतलब बात ही ना करें, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे अक्रॉस द कंट्री जिन लोगों ने एग्जम्पशंस अवेल करा है इन इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D. तो दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड नवंबर 23 जो है ना, ये एक आखिरी अटेम्प्ट है यार कि तुम क्या कर सकते हो सर, इस पार्टिकुलर इकोनॉमिक लॉज का बेनिफिट डिराइव कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अपना जो ग्रुप है वो क्लियर कर सकते हो, अपने अपना जो डिग्री है हासिल कर सकते हो. क्योंकि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में तुमको 20 मार्क्स का भी बफर मिल गया ना, तो तुमको हेल्प करेगा कि बाकी सब्जेक्ट में उतना कम आए तब भी चलेगा, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन. बट अगर ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा स्कोरिंग है यार, तो एक मिनिमम एफर्ट्स तो चाहिए ना. कोई चीज फ्री में तो नहीं आता ना हाथ में, कोई तुमको थाली में जाकर तो खाना नहीं परोस देगा ना भाई, राइट? तो कुछ तो एफर्ट्स अपने एंड से भी करना रहेगा इफ यू वांट कि भाई इकोनॉमिक क्लास पेपर 6D में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए. ये चीज दिमाग से हटा दो सर, एग्जम्पशन आ गया, ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, बाद में कैरी फॉरवर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा नहीं मिलेगा न्यू सिलेबस में, वो चीज दिमाग से हटा दो. एज्यूम कर लो नहीं भी मिलेगा, एज्यूम कर लो नहीं मिलेगा, तब भी भाई तुम उस चीज को दिमाग से हटा दो. तुम ये सोचो कि अभी मेरे को अगर 20 नंबर इसमें ज्यादा आता है ना, तो मेरे को ग्रुप क्लियर करने में हेल्प होगा, मेरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा, हो सकता है मैं बोध ग्रुप दे रहा हूं तो मेरा डिग्री हाथ में आ जाएगा. तो वो चीज दिमाग में रख के इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D की तैयारी करो. ये चीज दिमाग से हटा दो कि लास्ट एग्जामिनेशन है, क्लियर नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. सो रिमूव दैट थिंग फ्रॉम योर ब्रेन, ठीक है? अब ये जो वीडियो है सर, दो बच्चों के लिए है, दो अलग अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, एंड अकॉर्डिंगली जो गाइडेंस भी होगा सर, दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगा. एक वो बच्चा जो ग्रुप 1 के साथ, यानी बोथ ग्रुप्स दे रहा है, ग्रुप 1 के साथ इकोनॉमिक लॉस की तैयारी कर रहा है, तो बोथ ग्रुप दे रहा है, पेपर 4 का एग्जाम भी आप देने वाले हो, 6D का एग्जाम भी देने वाले हो, पेपर 4 की तैयारी आप ऑलरेडी अच्छे से कर ही रहे हो. और दूसरा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रुप की एग्जामिनेशन दे रहा है, या तो उसका फर्स्ट ग्रुप पहले ही क्लियर हो गया है, उसका फर्स्ट ग्रुप पहले ही क्लियर हो गया है, एंड यू नो नाउ ही जस्ट हैज टू गिव द सेकंड ग्रुप, एंड नवंबर में सिर्फ और सिर्फ वो ग्रुप 2 दे रहा है, पेपर 4 से उसका भी कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, क्लियर? तो दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या कर दिया सर, ये डिस्कशन डिवाइड कर दिया. तो सबसे पहले सर वो वाले बच्चे, सबसे पहले सर वो वाले बच्चे हैं जो ग्रुप 1 के साथ, यानी बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं सर अभी नवंबर में, ग्रुप 1 की तैयारी आपने ऑलरेडी कर रखी है, ग्रुप 1 की तैयारी आपने ऑलरेडी कर रखी है. या फिर वो बच्चे जिनका अभी अभी ग्रुप 1 क्लियर ही हुआ था मई में, एंड ग्रुप 1 का प्रिपरेशन मतलब अभी भी आपको याद है, पेपर 4 स्पेशली आपको अभी भी याद है, ठीक है? तो इन दैट वाले सिनेरियोस याद रखिएगा सर, आपके लिए ना सिर्फ 4 चैप्टर्स बच जाते हैं इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D में. एक बेनामी एक्ट बच जाता है, एक रेरा बच जाता है, एक कॉम्पिटिशन बच जाता है, सरफासी बच जाता है. 3 मेजर चैप्टर्स जो है, दैट इज फेमा एक्ट, दैट इज द पॉमला एक्ट, एंड दैट इज द आईबीसी कोड, वो ऑलरेडी आपके पेपर 4 में कवर्ड है, एंड जितना पेपर 4 में करते हो दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर 6D एज वेल, ठीक है ना? तो ऑलरेडी जो 3 मेजर चैप्टर्स है सर, वो पेपर 4 में कवर्ड है, ऑलरेडी पेपर 4 में आपने उसकी तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, या फिर आपने अभी अभी क्या करा है सर, ग्रुप 1 अपना क्लियर करा है. तो आपको इन 4 चैप्टर्स को ना हाथ लगाना है, इस वक्त आपको इन 4 चैप्टर्स को पकड़ना है. ये मत करना है यार पेपर 4 में वो चैप्टर्स करे थे इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के लिए भी वही 3 चैप्टर्स उठा लिए और ये 4 चैप्टर्स को आप बिल्कुल साइड करके रख दे रहे हो, इग्नोर करके रख दे रहे हो. नहीं, आप ये 4 चैप्टर्स उठाइए, और ये 4 चैप्टर्स में मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगना चाहिए ये भी आपको मैं बता देता हूँ सर. बेनामी 4 घंटे, उससे ऊपर का चैप्टर नहीं है. रेरा 4 घंटे, उससे ऊपर का चैप्टर नहीं है. कॉम्पिटिशन एक्ट 6 घंटे, उसके ऊपर का चैप्टर नहीं है. सरफासी एक्ट 4 घंटे, उसके ऊपर का चैप्टर नहीं है. दिस इज द मैक्सिमम टाइम की यार इतने में आपको एक बार इन चैप्टर्स की तैयारी हो जानी चाहिए. तो बेनामी एक्ट 4 आवर्स, रेरा 4 आवर्स, कॉम्पिटिशन 6 आवर्स, सरफासी 4 आवर्स. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रिवीजन, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रिवीजन. उसके अलावा जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे सर, तो मान लीजिए 4 आवर्स का 1.5 आवर्स लगना चाहिए, देन 6 आवर्स का 2 आवर्स लगना चाहिए, इतना टाइम लगना चाहिए. तो फर्स्ट रिवीजन में सर 18 घंटे लगने चाहिए और सेकंड रिवीजन में 8 घंटे लगने चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए. वो 3 चैप्टर्स फिलहाल मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर 4 आप साथ में दे रहे हो, तो पेपर 4 के अंदर ऑलरेडी आपने वो 3 चैप्टर्स अच्छे से करे हैं, तो दोबारा से उन 3 चैप्टर्स को पिकअप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड दोस 3 चैप्टर्स देयर, ठीक है ना? ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड दोस 3 चैप्टर्स देयर.
अब देखना सर, हमारा जो एग्जामिनेशन है सर, एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो बच्चों को लगता है काफी बार कि यार बुक्स तो अपन लेके जा ही सकते हैं, तो बुक्स तो अपन लेके जा ही सकते हैं, तो सर रीड करके चले जाते हैं सर, बुक्स तो अपन रेफर कर लेंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। याद रखना, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ना सर, वो पैटर्न इस तरीके से है, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 70% चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ज्यादातर एमसीक्यूज वगैरह आपके दिमाग में रहना चाहिए। हर चीज के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप जाकर मेन बुक रेफर कर सकें, फॉर एवरीथिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट टाइम। तो मैक्सिमम चीज आपको इस पेपर में भी याद रहनी चाहिए, ज्यादातर एमसीक्यूज वगैरह ऐसा होना चाहिए कि आप यू ही टिक कर पाओ विदाउट रेफरिंग द बुक, और जहां आप बुक रेफर कर रहे हो वहां भी बुक के साथ और इंडेक्स के साथ इतना गहरा दोस्ती होना चाहिए, इतना गहरा कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि आप फटाफट जाकर क्या कर सको, ट्रेस कर सको टॉपिक बुक में किधर है, एंड अकॉर्डिंगली क्या कर सको सर, उस चीज को आइडेंटिफाई कर सको। दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन। तो ये चीज दिमाग से हटा देना यार, ओपन बुक एग्जामिनेशन अपने को सिर्फ रीड करना है, नहीं एटलीस्ट आपको ना मैक्सिमम चीजें कोशिश करनी है कि एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट, आपको चीजें याद भी रखनी है, समझनी भी है याद भी रखनी है। दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू डू, कि एटलीस्ट एमसीक्यूज वगैरह मोस्ट ऑफ देम आप क्या कर सको सर, आप इजिली टिक कर सको विदाउट रेफरिंग द मेन बुक, विदाउट रेफरिंग द मेन बुक। आप बोलते हो सर ये चार टॉपिक्स 18 घंटे में नहीं हो पा रहे सर, बहुत टाइम लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, यानी आपका पढ़ने का अप्रोच सही नहीं है, आपका पढ़ने का अप्रोच सही नहीं है। सो इन दैट सिचुएशन, इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो, आई विल सजेस्ट कि आप क्लासेस ले लीजिए, ठीक है ना। इन दैट सिनेरियो आप क्लासेस ले लीजिए, अगर आपको इससे ज्यादा समय लग रहा है, इतने टाइम आप कंप्लीट कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है सर, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर लीजिए, क्लासेस ले लीजिए। अब क्लासेस में भी आपको लगता है सर इन टॉपिक्स में ज्यादा ड्यूरेशन लग रहा है, या फिर क्लासेस अलग से इन चैप्टर्स की अवेलेबल नहीं है, क्लासेस अलग से इन टॉपिक्स की अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज वाई कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक लॉ कोर्स लेकर आया हूँ, इकोनॉमिक लॉ मिनी कोर्स, जिसके अंदर सिर्फ ये चार चैप्टर्स कवर्ड होंगे, सिर्फ ये चार चैप्टर्स कवर्ड होंगी, और फीस होगा मात्र 1500 रुपए। सो दैट इज समथिंग आई ऑल्सो हैव ब्रॉट फॉर यू ऑल गाइज, राइट। तो इकोनॉमिक लॉस मिनी कोर्स विद 3 मंथ्स वैलिडिटी, 1.8 व्यूज, जिसके अंदर सिर्फ ये चार चैप्टर्स कवर्ड होंगे, और आपको 1500 रुपए में कोर्स मिल जाएगा विद ई बुक्स दैट यू कैन गो एंड अवेल फ्रॉम www.apnamentor.com। और बाकी असिस्टेंस के लिए रिविजनरी वीडियोस वगैरह अवेलेबल है सर यूट्यूब के अंदर। और आपको लगता है सर सेल्फ स्टडी हो पा रही है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी, आप आराम से सेल्फ स्टडीज कीजिए सर, गाइडेंस के लिए अपन बैठे हैं। तो ये चार चैप्टर्स कीजिए सर, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सर, जितने भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं सारे लगा लीजिए, अगर आपने मेरा क्वेश्चन बैंक परचेज कर रखा है तो मेरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस लगा लीजिए, और टाइम की किल्लत है तो सिर्फ केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चंस लगा लीजिए। फेमा के अमेंडमेंट्स अलग से रेफर कर लीजिएगा सर, पिछली बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, इस बार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पिछले बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स आया था। अब सर अगर आपने ग्रुप 1 रेफर नहीं कर रखा है, आप ग्रुप 1 साथ में नहीं दे रहे हो, लॉ के साथ पेपर 4 के साथ इस वक्त आपका कोई नाता नहीं है, आप भूल चुके हो चीजों की, तब इन दैट सिचुएशन में आपको एडवाइस करूंगा भैया पूरा इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G का एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स तुम ले ही लो। देखो अगर पेपर 1 के साथ तुम इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G दे रहे हो, क्लास लेना है नहीं लेना है तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर चॉइस है, क्योंकि 3 मेजर चैप्टर्स तुम क्लासेस में कवर कर रहे हो, बाकी बचता सिर्फ 4 चैप्टर्स, उन 4 चैप्टर्स के ऊपर तुमको कॉल लेना है। लेकिन अगर पेपर 4 के साथ तुम्हारा इस वक्त कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो मैं एडवाइस करूंगा भैया एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स ले ही लो, खुद से करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, आपको प्रॉपरली पता नहीं चलेगा क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है। तो एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स ले लीजिए, 60 आवर्स में इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G आपका उससे कवर हो जाएगा। फिर 30 घंटा खुद का रिवीजन के लिए मान लीजिए, 60 घंटा क्लासेस देखने में लगा, 30 घंटा खुद का जो रिवीजन का समय है वो लगा, और उसके बाद क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें आपको मान लीजिए 30 घंटे लगेंगे, तो टोटल मिला के आपको 120 घंटा लगेगा। अब सर आप 120 घंटे भी नहीं दे सकते हो यार, एक ग्रुप दे रहे हो तुम 120 घंटे भी नहीं दे सकते हो, तो यार प्लीज डन स्टॉप कंप्लेनिंग कि मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, स्टॉप कंप्लेनिंग। ये 120 घंटा तो तुम्हें देना ही होगा, और इसके अलावा तुमको एक्स्ट्रा 10 घंटा टेस्ट के लिए देना होगा, जितना हो सके उतना टेस्ट भी देना रहेगा। नहीं दे सकते तो भाई ठीक है, डोंट कंप्लेन कि मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, यू हैव टू गिव, यू हैव टू रिवाइज। अगर तुमको लग रहा है सेल्फ स्टडी से भी 60 घंटे में हो जाएगा तो सेल्फ स्टडी कर लो, लग रहा है सेल्फ स्टडी से उतना समय में नहीं हो पाएगा तो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स ले लीजिए, ठीक है। फिर वन टाइम रिविजन करना सर आपने 30 आवर्स में, वन टाइम रिविजन के लिए अगर आपने क्लासेस रेफर करी है सर, तो क्लासेस में मैंने हर एक चीज मार्क कराया है, कौन सी चीजें ज्यादा रिलेवेंट है, कौन सी चीजें अच्छे से पढ़नी है, कौन सी चीजें रीड करके आगे निकल जानी है, तो अकॉर्डिंगली आपने उन टेक्निक्स को यूज करना है। आपको साथ में समरी नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है सर, जिसके माध्यम से आप फटाफट चीजों को रिवाइज कर सकते हो, एंड फिर अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, और क्या करना है सर 10 घंटा एक्स्ट्रा लगाना है फुल टेस्ट। अब जो भी बच्चा चाहे मुझसे क्लासेस ले रहा है नहीं ले रहा है, कोचिंग किसी भी टीचर से ले रहा है नहीं ले रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो भी है,
तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो आपको रेफर करना चाहिए पेपर फोर सिक्स पेपर सिक्स के लिए, पेपर सिक्स के लिए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, इसको तो एकदम भगवत गीता की तरह मान लो यार कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स अलग से कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर आपको फॉलो करना है 70-30 रूल, यानी 70% चीजें जो बहुत काम की हैं, बहुत ज्यादा काम की हैं, जिसको आपको ज्यादा फोकस करना है, 30% चीजें जिसको आपको रीड करके आगे निकलना है। तो क्लासेस के अंदर वो ऑलरेडी मैं आपको मार्क कराता हूँ कि 70-30 क्या है। उसके बाद सर आपने कॉम्प्रीहेंसिव मास्टर इंडेक्स रेफर करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इंडेक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है और उस इंडेक्स के साथ फैमिलिटी आपने आज से ही बनानी है। ठीक है, उस इंडेक्स के साथ आपने फैमिलिटी आज से ही बनानी है। एक चीज आपको इन्फॉर्म कर दूं सर कि भाई आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, मुझसे क्लासेस ली है नहीं ली है, हर एक बच्चे के लिए पूरे देश में कॉम्प्रीहेंसिव मास्टर इंडेक्स हमारा, समरी नोट्स हमारा, इकोनॉमिक क्लास पेपर 60 का अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट एट www.apnamentor.com। जाइए अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। और फाइनली सर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर ज्यादा टाइम ना मिले सर तो एटलीस्ट केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इतना तो करना ही है। ठीक है ना, इतना तो करना ही है। तो दिस आर द वेरियस सोर्सेज दैट यू नीड टू रेफर, दिस आर द वेरियस सोर्सेज सर दैट यू नीड टू रेफर। मेरी तरफ से कुछ रिसोर्सेज जो आपको मिलता है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, अपना mentor.com में मिलता है, मास्टर इंडेक्स, समरी नोट्स, केस स्टडी डाइजेस्ट, ये कुछ यूजफुल रिसोर्सेज हैं, ये कुछ यूटिलिटी वाले रिसोर्सेज हैं जो मेरी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है फॉर योर एग्जाम्स। आपने चाहे मुझसे क्लासेस नहीं ली हो नहीं ली हो, इन रिसोर्सेज को जरूर यूज कीजिए सर अपने प्रिपरेशन के लिए। और एक ही चीज बोलना चाहूंगा यार आपको कि ये जो पेपर 6D है ना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको एक संजीवनी बूटी की तरह यूज करो अपने एग्जाम्स में, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करो। क्लासेस लेना है नहीं लेना है वो अलग चीज है, चाहे सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन ईमानदारी से टाइम दो, वक्त दो, थोड़ा बहुत वक्त दो इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को, थोड़ा सा टाइम दो, टेस्ट जरूर दो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट जरूर दो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट कहां से देना है सर, तो टेस्ट देने के लिए आपकी मर्जी है यार, एनी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म यू कैन चूज। हमारा खुद का जो प्लेटफॉर्म है www.apnamentor.com, उसके रिलायबिलिटी के लिए मैं आपको वाउच फोर कर सकता हूं दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज अक्रॉस द कंट्री, तब हमारे प्लेटफॉर्म से भी टेस्ट दे सकते हैं। एंड उसके बाद सर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, कहां से करेंगे सर, केस स्टडी डाइजेस्ट से करेंगे। और आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए सर कि एग्जाम हॉल में कौन कौन सा आप सोर्सेज लेके जाएंगे, तो आईसीआई का SM आपको लेके जाना है सर, आपको आईसीआई का SM लेके जाना है, आपने क्वेश्चन बैंक जो है वो भी आपको लेके जाना है, अगर आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, जो भी अमेंडमेंट शीट है सर वो आपको लेके जाना है। इस बार तो कोई अमेंडमेंट नहीं है नवंबर एग्जामिनेशन के लिए, तो पिछले बार वाला अमेंडमेंट शीट जो है आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है ना, तो दिस आर सम ऑफ द सोर्सेज दैट यू नीड टू टैग अलॉन्ग विद यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। एंड यस, मास्टर इंडेक्स, तो मास्टर इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है सर, वो आपको लेके जाना है। और जहां जहां जरूरत पड़े सर मास्टर इंडेक्स में आपको अभी से चीजें मार्क कर लेनी है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं सर कि आपको लगता है कि यार मास्टर इंडेक्स को रेफर करने की मुझे जरूरत पड़ सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट यार, बिल्कुल शिद्दत के साथ मेहनत करो, करो बिल्कुल शिद्दत के साथ तैयारी करो। आई कैन टेल यू वन थिंग कि यार ये जो सब्जेक्ट है ना सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, 80+ भी आ जाए ना इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने क्या कर ली सर, थोड़ा सा एफर्ट्स डाल लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ी सी शिद्दत के साथ प्रिपरेशन कर ली, तो 80+ भी आ जाएगा ना सर, कोई बड़ा बात नहीं है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट, गो फॉर 80+, हो सकता है ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो है ना आपका डेस्टिनी बदल दे और आप एग्जाम्स क्लियर कर लो बिकॉज ऑफ दिस वेरी सब्जेक्ट।